हिंद, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंतर्गत जो है वेब ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस के बारे में समझेंगे, जो वेब ब्राउजर क्या होता है और इंटरनेट सर्विस क्या होता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह आप लोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इन सभी टॉपिकों से कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते ही हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग अगर इन सारे टॉपिकों को अच्छे से देखे रहेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस पीडीएफ को परचेज नहीं कर पाए हैं, वो लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने तैयारी को जो है एकदम श्योर कर सकते हैं, क्योंकि यह कोर्स जो है हमारा बेल्टॉन कोर्स इसी के लिए बनाया ही गया है, ताकि जो भी बच्चे इसको अच्छे से पढ़े उनका जो है सीबीटी हो या आपका टाइपिंग हो, वो सारा बेहतर रहेगा, बेहतर गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके जल्द से जल्द जुड़े। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के तहत जो है वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस के बारे में। ठीक है, जो वेब ब्राउजर क्या है और इंटरनेट सर्विस क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग वेब ब्राउजर के बारे में। तो वेब ब्राउजर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कर यूजर्स अपने जरूरत के इंफॉर्मेशन को इंटरनेट में खोजते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी भी आकार फॉर्म का हो सकता है, जैसे कि इमेज, पेज, वीडियो या कोई दूसरी फाइल। वेब ब्राउजर का उद्देश्य होता है इंटरनेट में मौजूद इंफॉर्मेशन को एक्सटेंशन के मदद से देखा जा सके। ये अक्सर मुफ्त यानी फ्री होता है और वही इसे इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह एक सिंगल कंप्यूटर में भी काम कर सकता है। वेब ब्राउजर कई प्रकार के होते हैं, जैसे चलिए वेब ब्राउजर को समझते हैं, काफ़ी तरह के हो सकते हैं। जैसे पहला वेब ब्राउजर है हमारा गूगल क्रोम। ये हमारा गूगल क्रोम जो है पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल एंड टैबलेट में सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि हमारा सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर में ही सपोर्ट करता है। तीसरा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट इन सभी को सपोर्ट करता है। चौथा है हमारा मोज़िला फायरफॉक्स, ये भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट में सपोर्टेड है। पांचवा है हमारा सफारी, सफारी भी हमारा मोबाइल जो पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट को सपोर्ट करता है। छठा है हमारा ओपेरा ब्राउजर। ठीक है, तो ओपेरा मिनी ब्राउजर जो है वो भी हमारा पीसी, मोबाइल और टैबलेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, सातवां भी हमारा जो है ऑप्शन वो हमारा लाइनेक्स पीसी को सपोर्ट करता है। आठवां जो है हमारा लाइनेक्स, वो लाइनेक्स सिर्फ पीसी को सपोर्ट करता है। और नौवा है हमारा यूसी ब्राउजर, जो कि मोबाइल एंड टैबलेट में भी यूज होता है। ठीक है, यूसी ब्राउजर हमारा। चलिए आगे समझते हैं इंटरनेट सर्विस के बारे में, जो इंटरनेट सर्विस क्या होता है, इंटरनेट सेवाएं के बारे में देखते हैं। तो इंटरनेट हमें कई तरह की सर्विस जो है प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूज। ठीक है, ये हमारा जो है सर्विस प्रदान करता है इंटरनेट। दूसरा है ऑनलाइन बैंकिंग। तीसरा है ई कॉमर्स। चौथा है मोबाइल कॉमर्स। पांचवा है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। छठा है इंटरटेनमेंट। सातवां है हमारा ऑनलाइन फ्रीलांसर। ठीक है, आठवां है हमारा डाटा शेयरिंग और नौवां है हमारा ऑनलाइन बुकिंग। ये सभी जो है इंटरनेट की सेवाएं हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के तहत जो है वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस के बारे में, जो यह किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को परचेज नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द पीडीएफ परचेज करके आगे की तैयारी, अपना बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं हमसे जुड़कर। ठीक है, वो भी बहुत कम शुल्क में। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।